फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स के रेट पे वर्किंग करने के लिए और उसे रिवाइज करने के लिए अक्टूबर 2021 में एक कमेटी बनाई गई थी, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी 5, जिसको कि शॉर्ट में MVC 5 भी बोल सकते हैं। और इस कमेटी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट पे वर्किंग करके अपनी फाइनल रिपोर्ट अगस्त 2022 में MCD को दे दी थी, जिसमें कि इस कमेटी ने प्रपोज किया था 37% इंक्रीमेंट का, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स 37% बढ़ना चाहिए, यह इस कमेटी का प्रस्ताव था। लेकिन MCD के स्पेशल ऑफिसर ने इस जो प्रपोजल को डिसएग्री कर दिया, यानी कि इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। MVC 5 की रिकमेंडेशन को डिसएग्री करने के बाद दिल्ली में ना तो यूनिट एरिया वैल्यू को कम किया गया, ना ही यूनिट एरिया वैल्यू को बढ़ाया गया। फिर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे हाउस टैक्स कम हो गया और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे हाउस टैक्स बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि यूनिट एरिया वैल्यू को ना ही कम किया गया ना ही बढ़ाया गया, फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे हुआ। और हम यहाँ पे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा है और किस टाइप की प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स घटा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं किन किन प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स कम हुआ है और ये प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कम हुआ है, क्योंकि यूनिट एरिया वैल्यू तो कम हुई नहीं है ना ही बढ़ी है, तो ये कम कैसे हो गया। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो मेनली कम हुआ है वह कम हुआ है ट्रेडर्स के लिए, सभी ट्रेडर्स के लिए नहीं, ऐसे ट्रेडर्स जो कि नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग जो करते हैं रेंटेड एरिया में करते हैं, यानी कि जो उनका प्रॉपर्टी है वो रेंटल है, रेंटल ट्रेडर्स के लिए ही प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे कम हुआ है। और उनके लिए भी प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर्टी टैक्स कम भरना पड़ेगा। कैसे कम भरना पड़ेगा, आइए फ्रेंड्स समझते हैं। फ्रेंड्स, जब हम प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे एक फैक्टर आता है, यूज़ फैक्टर। यूज़ फैक्टर यानी कि आपकी प्रॉपर्टी किस यूज़ में है, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का, मतलब आपका यूज़ फैक्टर है। जैसे कि रेजिडेंशियल के लिए यूज़ फैक्टर 1 है, कॉमर्शियल के लिए यूज़ फैक्टर 2 है, इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ फैक्टर 3 है, और भी अलग अलग यूज़ फैक्टर्स हैं। जब आप प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो अपने यूनिट एरिया वैल्यू को यूज़ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूज़ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप प्रॉपर्टी टैक्स निकालते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन करते समय यूज़ होते हैं, खाली यूज़ फैक्टर ही नहीं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एज फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर, ऑक्यूपेंसी फैक्टर, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन करते समय आप यूज़ करते हैं। आपको पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन किस टाइप से होता है। अभी प्रॉपर्टी टैक्स जब हम भरेंगे तो हम इन सभी फैक्टर्स का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स को मैं आपको मैनुअली भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, सबका प्रॉपर्टी टैक्स मैं आपको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन सिस्टम पे तो आपको सिर्फ फिगर डाल देनी है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स सारा अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैनुअली भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रेडर्स का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कम हुआ है, वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि जो यूज़ फैक्टर 2 था, मतलब जो ट्रेडर्स के लिए यूज़ फैक्टर 2 यूज़ होता था, उस 2 की जगह 1.25 यूज़ होगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स का आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपने यूनिट एरिया वैल्यू को 2 की जगह 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जो ट्रेडर्स हैं जो कि रेंटेड प्रॉपर्टी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स कम भरना पड़ेगा क्योंकि जो यूज़ फैक्टर है 2, उसको घटा के 1.25 कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप अपने यूनिट एरिया वैल्यू को 2 की जगह 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स में कमी आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई 560 स्क्वायर मीटर की कोई प्रॉपर्टी है, उस पर यदि आप प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो यूज़ फैक्टर है 2 की जगह 1.25 यूज़ करेंगे, तो आपको सीधा सीधा 200,000 रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स की कमी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ यदि 2 यूज़ फैक्टर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपको 500,000 रुपये के आसपास, आपको 525,000 के आसपास प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा। और आप 1.25 का यूज़ फैक्टर कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपको सिर्फ 3.25 लाख रुपये के आसपास का प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको 2 लाख रुपये की कमी देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे। इसके अलावा स्कूल, बारात घर, गेस्ट हाउस, इन पे भी यूज़ फैक्टर जो है कम हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा किन प्रॉपर्टी पे है। फ्रेंड्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा है वह बढ़ा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। आप लोग बोलेंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे तो कहीं बढ़ा ही नहीं, हमने तो ना न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना कहीं हमें सुनने को मिला है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे
प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट करते समय अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर फैक्टर, यूज फैक्टर, ऑक्यूपेंसी फैक्टर, ऑनरशिप फैक्टर, तो ये सारे फैक्टर्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स को इफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, किन लोगों को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा पे करना होगा ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते समय यूज़ फैक्टर, एज फैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो इफेक्ट करेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, वह इफेक्ट करेगा एज फैक्टर। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको ट्रेडर केस में बताया था कि यूज़ फैक्टर 2 से घटा के 1.25 कर दिया है, इसी तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो एज फैक्टर है उसको बढ़ा दिया गया है। यूज़ फैक्टर को कम किया गया है तो प्रॉपर्टी टैक्स कम हो गया, एज फैक्टर को बढ़ाया गया है तो प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो समझते हैं कौन सी प्रॉपर्टी पे, किस टाइप के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे एज फैक्टर बढ़ा है। फ्रेंड, 1 अप्रैल 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनी है, यानी कि उसका कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस पर जो एज फैक्टर यूज़ होता था वह यूज़ होता था 1 एज फैक्टर के हिसाब से हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे 1 एज फैक्टर को बढ़ा दिया गया है। सिर्फ 1 अप्रैल 2000 के बाद जो मकान बने हैं, जो फ्लैट्स बने हैं, उन पर ये इफेक्ट करेगा। अब जो नया एज फैक्टर होगा वो आप समझ लीजिए कैसा होगा। 1 अप्रैल 2000 से लेके 2009 तक जो एज फैक्टर यूज़ होता था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, 1 वही यूज़ होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन 2010 से लेके 2019 तक जो एज फैक्टर यूज़ होगा वह होगा 1.1। तो जहां आप 1 एज फैक्टर के हिसाब से अपना प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते थे, वहां अब आपको 1.1 के हिसाब से अपना प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करना होगा। 2009 से लेके 2019 तक एज फैक्टर यूज़ होगा 1.1, और 2020 से लेके 2029 तक जो एज फैक्टर यूज़ होगा वह होगा 1.2। तो जहां आप सिर्फ 1 यूज़ करते थे, जैसे आपका यूनिट एरिया वैल्यू 630 रुपये है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 1 से, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.2 से। तो इस तरह से आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के टोटल कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू में। सपोज डेट आपका प्रॉपर्टी टैक्स पूरे साल का आप भरते हो 3000 रुपये, तो 3000 रुपये में कुछ माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपका घर जो है सन 2000 के बाद बना हुआ है, तो वहाँ पे एज फैक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया कि एज फैक्टर में चेंजेस हो गए हैं, आपका एज फैक्टर 2009 से लेकर 2019 तक 1.1 रहेगा। 2019 के बाद यदि आपका मकान बना है, आपका घर बना है या आपका फ्लैट बना है, तो आपका जो एज फैक्टर रहेगा 1.2 रहेगा। तो फ्रेंड्स, दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स में किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो हमने यहाँ पे जाना है। एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।